हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही आपको हम बता दें कि ये लॉकडाउन से पहले की वीडियो क्लिप है, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पेंडिंग पड़ी थी और हम एडिट नहीं कर पाए कुछ ना कुछ वजह से। और आज जब मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि तबीयत तो ठीक चल नहीं रही है, तो इस वजह से एकदम से माइंड में आया कि अरे मेरे पास पेन ड्राइव में कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं, उनको क्यों नहीं शेयर करते। तो चलिए आज आप लोग को ये पुरानी क्लिप्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ और दिखाते हैं कि क्या क्या शूट किया था और किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम गुलाब जामुन बनाने की, क्योंकि आने वाले थे हमारे मामा मामी और सरप्राइज़ में दो लोग और आए, जो कि अभी आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुलाब जामुन बना रहे हैं गिट्स मिक्स से। गिट्स का जो गुलाब जामुन मिक्स होता है वो हमको लगता है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ज़्यादा तामझाम बिल्कुल नहीं होता है। बस देखिए इस तरीके से हम इसका जो पाउडर होता है इसको बिल्कुल गीला गीला सा गूंद लेते हैं हम, एकदम सख्त इसका आटा कभी नहीं लगाते हैं, बिल्कुल गीला गीला सा गूंद लेते हैं। जैसे होता है ना कि पहली पहली बार आटा लगाना सीखते हैं तो आटा गीला हो जाता है, ठीक उसी तरीके से हम ये आटा तैयार करते हैं। और यहाँ पापा कुछ लेने आए हैं किचन में, शायद विनी के लिए बिस्किट, क्योंकि बहुत पुरानी क्लिप है तो बहुत कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी जितना याद है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे हम। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना गीला गीला सा आटा तैयार किए हैं, बस अब इस तरीके से इसको हम लोई बना लेंगे, छोटी छोटी गोलियां तैयार करेंगे। और जो प्लेट में आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा पानी और रिफाइंड दोनों मिक्स करके रखें, वो हाथ में चिकनाई लगा लेते हैं फिर इस तरह से बिल्कुल चिकना चिकना करके, क्योंकि ये आटा बहुत गीला रहता है तो बहुत इसलिए चिकनाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इतना ईजी होता है कि आप देखें ही कि हम बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंदे और बहुत ही टेस्टी बनता है, कोई भी ताम जाम नहीं। और उस दिन तो इतनी हड़बड़ी थी कि इसमें इलायची पाउडर तक नहीं डाले थे, लेकिन बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बने थे। तो हम तो हमेशा ही ये गिट्स का ही पैकेट लेके आते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी सॉफ्ट सॉफ्ट से गुलाब जामुन तैयार होते हैं। और बगल में चाशनी भी रख दिए हैं उबलने के लिए। तो क्या हो रहा है ना कि अभी हमको लगता है एक हफ्ते से ज़्यादा होने जा रहे हैं कि हम कोई ब्लॉग वगैरह कुछ ना वीडियो शूट कर पा रहे हैं ना ब्लॉग शूट कर पा रहे हैं, तो दिमाग में बिल्कुल आजकल कुछ आता ही नहीं कि क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गए हैं, क्या कहाँ से शुरू करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन शुरू तो करना है क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकते, और हमको भी थोड़ी टेंशन होती है कि काफ़ी मेरा इधर गैप जा रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टेंशन थोड़ी होती है, सारे लोग मेहनत करते हैं सबको पता है। तो बस देखते हैं जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल एक दो दिन में ही हमको लगता है अब करना ही होगा, क्योंकि अब ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। तो यहाँ गुलाब जामुन भी बना लिए थे, उसके बाद बनाने वाले थे दही बड़े। तो उसका दही बड़े के लिए जो दाल पीस के रखना था वो रख चुके थे, उसमें वही जीरा हींग और चिली फ्लेक्स और थोड़ा नमक वगैरह सब मिक्स करके और इस तरह से वड़े बना लेंगे। पहले मम्मी लोग हमारी जब बनाती थी वड़े तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन से बनाती थी, मतलब हाथ में लेके गोल गोल डिज़ाइन करना, फिर उसको किनारे से मतलब बिल्कुल वो फ्लावर जैसा लगता था, तो वो बहुत सुंदर लगता था। लेकिन अभी सबसे ईजी लगता है कि सीधे इस तरह से डाल दो और हो गया वड़े तैयार। और बीच में स्क्रीन पे आके हम एक बार और देखे, अभी फिर से देख रहे हैं वो, क्योंकि मामा आने वाले थे तो उनका मैसेज आ रहा था, फिर टाइम भी देख रहे थे तो लग रहा था कि जल्दी जल्दी से हो जाए। और मेरी एक आदत है और हमको लगता है बहुत अच्छी आदत है कि अगर कोई भी घर का मेंबर हो या कोई भी आने वाला होता है तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हम जितना अच्छे से अच्छा हो सके सब कुछ करें। वैसे मतलब अच्छे से तो सब करते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई आने वाला है तो चलो जो भी हो अच्छे से जल्दी जल्दी से बना लो, कर लो, कुछ स्पेशल करो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेरे साथ ज़्यादा हैं, हम मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, अब कितना होता है कितना नहीं, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करते हैं कि बहुत अच्छे से हर चीज़ को करें। तो बस यहाँ पे अब ये वड़े भी तैयार कर लेंगे, उसके बाद दही वड़े भी बन जाएंगे, तो फटाफट से वही है किचन में खड़े हो जाओ तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है।
अरे वाह, आज तो वॉइस ओवर करते टाइम मेरी सांसें भी मतलब एकदम जैसे फूल रही थी इधर 2-4 दिन से लगातार, वैसा नहीं हो रहा है। बस हम भी चाहते हैं कि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए ताकि हम अपना रेगुलर व्लॉग वगैरह कर सके और वीडियो भी जो है करना है, क्योंकि आने वाला है मदर्स डे, तो कुछ तो स्पेशल करना ही है अपने चैनल पे। तो देखते हैं क्या करना है, अभी तो कुछ माइंड में आ नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है दिमाग में कि क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगता है आप लोगों के सजेशन पढ़ना और उस पे काम करना अच्छा लगता है। तो और वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी मेरी ये बात भी आपको पता चलेगी। तो देखिए, बात करते करते बड़े भी बन गए थे और यहाँ देखिए मामा मामी आ गई हैं और शिखा आ गई है। शिखा से तो आप पहले भी मिल चुके हैं तो अच्छे से आप जानते ही होंगे शिखा को। अरे मामा इतना ट्रैफिक, उस दिन पापा इसी में चलाओ कहते हैं, इसी में चलाओ जैसी भी घूमता हूँ, और रास्ता तो देख ही ना कैसा है आने का, उसी में बोले चलो इसी में चलाओ। अरे लगे आपके हमको ही बहुत प्राउड लग गया, अरे हम जाते ही नहीं घूमने चले दूसरे दिन जाते। तो यहाँ सब लोग आपस में वही बातचीत कर रहे थे जो ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किए थे ना, तो वही बात हो रही थी, आप लोग सुने ही। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तो ये देखिए लॉकडाउन वगैरह चला तो इसके वजह से प्रैक्टिस बंद है। अब देखिए कब फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। और ये है मेरी मामी, और मामी मामा राहुल शिखा इन सब से आप मिल चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपरली देखते होंगे तो जो एक्सरसाइज वाली वीडियो मैंने अलग से शेयर की थी उसमें सारे के सारे लोग ही थे। तो ये मेरे मामा हैं, मेरे तीन मामा हैं, तो ये बीच वाले मामा है, मतलब सेकंड नंबर पे। सबसे बड़े मामा और छोटे मामा से भी कभी ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से जरूर मिलवाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मामा मामी काफ़ी साल बाद, हमको लगता है 2-2.5 साल या 3 साल बाद आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ सब लोग वही बातचीत कर रहे थे आपस में, और बस आए ही थे, शाम हो गई थी, 6:30-7 का टाइम था, तो चाय नाश्ता हुआ। और शिखा राहुल का तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग भी आएंगे, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल एकदम सरप्राइज था, जो कि हम लोग वही बात कर करके हंस रहे थे कि बिल्कुल तुम लोग भी नहीं बताए। और शिखा देखिए सब लोग आप लोगों को हाय भी कर रहे हैं। तो मामा मामी बहुत खुश रहते हैं मेरे यूट्यूब पे चैनल बनाने से और वीडियोस वगैरह देख के, मतलब सारे लोग ही फैमिली के खुश रहते हैं। और मामा ही थे जो बार बार फोर्स कर रहे थे कि नहीं तुमको ड्राइविंग आनी चाहिए, आनी चाहिए, तो आनी चाहिए। मामा हर अच्छी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा बोलते हैं कि नहीं तुम लोगों को हर चीज़ आनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। और तीनों ही मामा हम लोग के फेवरेट हैं। लेकिन बचपन में एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बचपन में जब भी हम लोग नानी के घर जाते थे तो पता ही है सबको कि नानी के घर कितना बच्चों को प्यार दुलार मिलता है, वैसे ही हम लोगों को भी मिलता था। तो हम तीन भाई बहन थे, हमारे मामा भी तीन थे, तो हम लोग बचपन में छोटी बुद्धि कम बुद्धि जो भी कहिए तो हम लोग मामा को ही बांट लिए थे। बड़े मामा आ गए थे मेरे भाई के हिस्से में, बीच वाले मामा आ गए थे मेरे हिस्से में, छोटे मामा आ गए थे पूजा के हिस्से में। तो इस तरीके से हम लोग मामा को बांट लिए थे। तो वो आज भी जब कभी कभी याद आता है तो बहुत हंसी आती है कि बताओ हम लोग मामा को ही बांट लिए थे। तो उस हिसाब से फिर ये बीच वाले मामा मेरे फेवरेट मामा हुए, तो ये आए हुए थे। वैसे मेरे तीनों के तीनों मामा फेवरेट हैं, क्योंकि तीनों ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तीनों मामा में हम कोई नाप तोल नहीं कर सकते, तीनों बराबर है मेरे लिए। बस ये बचपन की बात थी जो आपके साथ हम शेयर किए। तो सैनिटाइजर का फीडबैक तो आप देख ही लिए होंगे कि मामा और शिखा मामी सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो रियली वर्क करता है, अभी जब मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ये होममेड ही काम आ रहा है। और वैसे भी अभी कहाँ बाहर जाना है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि साबुन से हाथ धो लो।
और लॉकडाउन है तो जाना कहाँ है, घर में रहिए, हाइजीनिक रखिए खुद को, यही सब है। तो यहाँ पे सब लोग खाना खाने बैठ गए थे और बहुत पुरानी क्लिप है तो बहुत कुछ याद करना पड़ रहा है वॉइस ओवर करते टाइम कि अच्छा क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब क्या बताना है, अब क्या बताना है, ये वाला हाल हो रहा है। तो यहाँ सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, हम वही रोटी वगैरह बना रहे थे। और पता है आपको, आजकल तो मेरे घर से ही मम्मी और पापा सब बोलते हैं कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए यूट्यूब बंद कर दो, यूट्यूब पे काम करना छोड़ दो, जब तबीयत ठीक होगी तो करना। तो कैसे उन लोगों को समझाएं कि एक एक दिन की मेहनत जाके तब तो जुड़ती है, तब जाके तो कहीं थोड़े बहुत व्यू आते हैं, थोड़ा बहुत वॉच टाइम मिलता है। लेकिन हाँ, वो अपनी केयर में बोल रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन को देखते हुए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। आज तो वॉइस ओवर करके लग रहा है कि नहीं, काफ़ी बेटर है, पता नहीं। एक दिन लगता है कि ठीक हो गया तो नेक्स्ट डे लगता है कि अभी फिर वैसे ही हालत हो गई। तो कुछ कह नहीं सकते कि ठीक हो गए हैं कि अभी कैसा है, पता नहीं। तो यही सब है। तो इसके बाद की भी एक दो क्लिप, मतलब एक दिन की या दो दिन की क्लिप है शायद मेरे पास, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ सब लोग खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद बैठ के यहाँ बातचीत हो रही है। आदत है, जहाँ चलती है तो इंतजाम के साथ चलती है। तो मामा मामी काफी सालों बाद आए थे, राहुल भी, शिखा तो अभी एक बार आ चुकी थी जब शिखा, ज्योति और पूजा सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो मामा मामी और राहुल काफी सालों के बाद आए थे, तो बहुत सारी बातें हो रही थी, सब लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फैमिली जब इकट्ठा होती है तो सच में बहुत अच्छा फील होता है। तो बस वही बातचीत हो रही थी और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे। दो दिन की और क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।